आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। टैक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी ही लेगी, बट अगर आपको ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं तो आपको खुद से टैक्स फाइल करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा। आपको जो आपकी इनकम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सी इनकम रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे अपने लॉसेस का ट्रेडिंग में फायदा उठाया जाए, आइए चलकर बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, अगर आप एज अ इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है रिटेल निवेशक की तरह से, तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपने ऑडिट भी मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप सर्टेन कंडीशन मीट करते हैं, और उसके साथ में आपको टैक्स भी फाइल करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेडिंग दो तरह की होती है, पहली फ्यूचर एंड ऑप्शन और दूसरी आपकी इंट्राडे स्टॉक की जो आप ट्रेडिंग करते हैं। पहली कैटेगरी को हम अपना बिजनेस की तरह से इनकम कर सकते हैं, और जैसे अगर आपने घर लिया हुआ है और उसकी रेंटल इनकम आती है, या फिर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है उसका इंटरेस्ट आता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी इक्विवेलेंट बिजनेस की अर्निंग मानी जाएगी। इनकम रिडक्शन कहां कहां होता है, आइए समझाएंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कोई नई चीज नहीं है, शुरू से ट्रेडिंग होती आ रही है। पहले लोग बाग दो दो दिन के लिए ट्रेडिंग करते थे, अब कुछ लोग 10-10 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत एक्टिव ट्रेड हो चुकी है यहां पर, और पोजीशन को कवर करके लॉस बुक करते हैं या प्रॉफिट जैसा भी होता है उनका। बट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल में आपने कैसा प्रॉफिट बनाया और कैसा आपको लॉस रहा, उसका आपको ट्रैक करना होगा पूरा का पूरा। ट्रीट इट एज अ बिजनेस, जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपने अपनी ट्रेडिंग अकाउंट अपने पर्सनल अकाउंट में खोला हुआ है, पर आपको इसको अपने एक बिजनेस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं विदाउट इवन रजिस्टरिंग इट। जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप कुछ एक्सपेंसेस भी घटा सकते हैं ताकि आप अपने प्रॉफिट को भी कम कर लें, और एक्सपेंसेस घटाने के बाद में जो भी आपकी इनकम होती है वो रहेगी आपकी टैक्सेबल इनकम। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसलिए काफी दर्शकों ने ये क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए हम यहां पर आपके लिए ये डिटेल्ड एजुकेशन वीडियो लेके आए हैं। कौन सा ITR फाइल किया जाए, सबसे आसान, अगर आपके पास में कोई ट्रेडिंग इनकम नहीं है तो आप ITR 1 या ITR 2 फाइल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास में ट्रेडिंग इनकम या ट्रेडिंग लॉसेस है तो आपको ITR 4 ही फाइल करना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू ITR 1 के, बट आप एक बार करेंगे तो शायद आपको 3 घंटे का टाइम लगे मैक्सिमम, उसके बाद आप रिपीटेड करते रहेंगे तो आप 1 घंटे में भी ये काम पूरा कर सकते हैं। ITR Form 4 को आपको यूटिलाइज करना है। अब इनकम टैक्स में आपकी सेल्स, तो आपको पता है आपकी सेल्स क्या होगी, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है फ्यूचर में, ऑप्शन में, आपके स्टॉक्स में, बट आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना टैक्स को कम कर सकते हैं यहां पर। व्हाट कैन बी रिड्यूस्ड, देखिए सबसे पहले एक्सपेंस की कैटेगरी में एक जो आती है ब्रोकेज, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें कुछ ब्रोकेज चार्जेस भी होंगे, जैसे आपने ब्रोकेज का अकाउंट खुलवाया या उन्होंने ऊपर से आपका स्पेसिफिकली कोई एडिशनल चार्जेस लगाए, इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स, तो वो सारे के सारे आप एक्सपेंस में रिड्यूस कर सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, आपने फोन बिल यूज किया, आपने इंटरनेट यूज किया अपने बिजनेस के लिए, तो वो सारे आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेवल करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल अपने लर्न करने के लिए कोई एजुकेशन वीडियो का देखा या कोई कहीं भी आपने ट्रेवल किया, तो उसको भी आप अपने एक्सपेंस कटिंग में कर सकते हैं। और अगर आपने अपने ट्रेडिंग के लिए किन्हीं को एम्प्लॉय किया हुआ है तो उनकी सैलरी भी आप अपने इससे रिड्यूस कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप एक्सपेंस के लिए पे करते हैं तो उसको कैश से मत पे कीजिए, अपने चेक से या फिर आप डेबिट कार्ड यूज करें ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल रहे उसका। तो कैश को आपको अवॉइड ही करना है, जो अगर आप इसको डिडक्ट करना चाहते हैं तो 10,000 रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन अलाउ है। बेनिफिट ऑफ फाइलिंग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, लॉस कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेंटल और इंटरेस्ट इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने रेंटल इनकम आती है आपकी कोई, या फिर आपने इंटरेस्ट इनकम आती है, उसमें से आप सारे के सारे लॉसेस घटा सकते हैं ताकि आपको उनके ऊपर कोई टैक्स ना देना पड़े। अब कैटेगरीज क्या क्या होंगी इसमें, देखिए सबसे पहले समझते हैं। दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है स्पेक्युलेटिव अर्निंग, एक होती है नॉन स्पेक्युलेटिव अर्निंग। स्पेक्युलेशन क्या होता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको रिलायंस की कोई स्पेशल न्यूज मिली है, आपने मॉर्निंग में रिलायंस खरीदा और आफ्टरनून में आपने उसको बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट मिला, आपने स्पेक्युलेट किया और उसको फिर आपने अर्न कर लिया वहां से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेक्युलेशन अर्निंग होगी, इसकी अलग कैटेगरी होती है। हम यहां पर फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, उसमें नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम मानी जाती है, चाहे आपने रिलायंस के फ्यूचर में ही खरीदा या फिर आपने
निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या किसी के भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम किया, तो नॉन स्पेकुलेटिव अर्निंग होती है और यही आप रेंटल और इंटरेस्ट के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले सिर्फ दो एग्जांपल देंगे, दोनों एग्जांपल में शायद ज्यादातर आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम एक सिंपल इक्वेशन की बात करें, आप एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, ना आपके पास इंटरेस्ट है इनकम, ना आपके पास रेंटल इनकम है, और आपने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर 2 लाख रुपए कमाए। अब आप अपने फोन को भी यूज करते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए, उसका बिल आपका 24,000 रुपए पूरे साल के लिए, और साथ साथ में आपको कहीं ट्रेवल करना पड़ा। सिंपल कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की ट्रेवल किया है, आपके बिल है, आपके पास सारे ट्रेवल टिकट है, आपके पास में कार के एक्सपेंसेस है, पेट्रोल बिल है, तो सारे के सारे आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस में माना जाएगा। तो नेट जो आपकी यहां पर प्रॉफिट होगी वो 2 लाख नहीं होगा, इस बात को समझिए। इसमें से 24,000 आप फोन का बिल हटाएंगे और 1 लाख आपका ट्रेवल बिल हट गया, तो आपका सिर्फ 76,000 रुपए आपका प्रॉफिट रह गया 2 लाख के बजाय। तो समझिए किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से आप टैक्स से बचा सकते हैं अपने आप को। और दूसरा, तो नेट टैक्सेबल इनकम जो होगी, जितनी आपकी सैलरी है वो तो आपकी सारी की सारी नॉन टैक्सेबल इनकम ही, हम अज्यूम कर रहे हैं यहां पर आपको सैलरी मिलती है, और उसके साथ में आपको 76,000 रुपए आपकी अर्निंग और हुई है। तो टोटल सैलरी अगर आपकी मान लीजिए 15 लाख की है पूरे साल में जो टैक्सेबल इनकम है, तो 15,76,000 रुपए आपकी यहां पर नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि इस केस में हमने लिया है 15 लाख आप अर्न करते हैं। अब जो दूसरा एग्जांपल लेंगे, हम सेम सिचुएशन रखेंगे बट उसमें अज्यूम करेंगे कि आपके पास में रेंटल इनकम भी है और आपके पास में इंटरेस्ट अर्निंग भी है, और इस सिचुएशन को लेकर चलते हैं आपके पास लॉसेज है। मान लीजिए किसी वजह से आपको किसी फाइनेंशियल में 2 लाख रुपए का लॉस हो गया है, फोन बिल आपका उतना ही 24,000 रुपए, आपका ट्रेवल बिल भी उतना ही, आपको वहीं ट्रेवल करना पड़ा, 1 लाख रुपए का आपका ट्रेवल बिल, तो यहां पर आपका नेट लॉसेज क्या हुआ, 3,24,000 रुपए। तो इतने बड़े लॉस को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, अब समझते हैं इस एग्जांपल से। तो देखिए तीन कैटेगरी होती है, आपकी सैलरी होगी 15 लाख, आपने रेंट इनकम आपका मान लीजिए दिल्ली के साउथ एक्स में आपका मकान है जो कि आपने 30,000 रुपए पर मंथ पर रेंट दिया हुआ, तो 3,60,000 रुपए आपके वहां से रेंटल इनकम आई, और इसके अलावा आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट की हुई है जिसमें आपको 60,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है पूरे साल भर में। तो आपकी जो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो सारा का सारा आपका टैक्सेबल इनकम होगा, बट अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग की है तो इसमें जो आपका बिजनेस एज अ अर्निंग है वो 4,20,000 है। तो ये 4,20,000 कैटेगरी ही आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लॉसेस के कंपैरिजन में, आप 15 लाख का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सैलरी इज नॉट योर बिजनेस। तो यहां पर अगर देखें सैलरी का अमाउंट जो है 15 लाख और उसके बाद में जो आपको 4,20,000 में से 3,24,000 आपको टोटल नेट लॉस हुआ है आपको वहां पर अपने एक्सपेंस हटाने के बाद में, तो आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से जो अर्निंग है वो 96,000 रुपीज के आसपास रह गई है। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई इस सिचुएशन में वो 15,96,000 हो गई है। अगर एग्जाम्पल दोबारा से पॉज करके देखना है तो देख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल की कैलकुलेशन करके दिखाइए, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। टैक्सेस इस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे फिर आपकी टोटल इनकम पर। तो आई होप ये आपके लिए समझ में आ रहा है, और आपको कोई क्वेश्चन आंसर है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारी टीम मॉनिटर करेगी और आपको आंसर करने की जरूरत होगी तो हम टीम के लिए रिस्पॉन्स देंगे। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।